ओके बिलीव तो नहीं हो रहा होगा आप लोगों को कि भाई हॉरर स्टोरी लेके आ गया बंदा है इतना जल्दी, एक वीक के अंदर 3 महीने बाद आता है ये लौटना। लेकिन यही तो शिवम है, प्रेडिक्ट अनप्रेडिक्टेबल। दाढ़ी बाल छिलवा लिया मैंने, तो मैंने सोचा कि अगली वीडियो आएगी तब तक तो बढ़ जाएगी पूरी, तो क्यों ना ये लुक भी दिखा दिया जाए आपको जो कि बिल्कुल अच्छा ही लग रहा मेरे को तो, खास करके आपको कैसा लग रहा है कमेंट बताओ। ये क्यों बताओगे कमेंट में, वीडियो कैसी लगी बताओगे ना। खैर, खुदी के साथ असमंजस में फंसे हुए शिवम के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आज की स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हर बार जैसी स्टोरी मेरी होती है कॉमेडी एंड हॉरर का मिक्सर, वैसी नहीं है, ये कुछ थोड़ी सी अलग है। क्योंकि ये स्टोरी बहुत, जब मैंने सुनी थी ना मैं बिलीव नहीं कर पाया कि तो सच बोल रहा है, सॉरी बोल रही है। बंदी की स्टोरी है, नंदिनी नाम की लड़की है ये MP की, गाँव का नाम मैं नहीं बता सकता, उसने नाम बोला इसलिए। एंड जिस सिटी जहाँ, ये सब कुछ मैं नाम नहीं रिवील कर सकता, सिर्फ बंदी का नाम रिवील कर सकता हूँ, तो ठीक है। क्योंकि नंदिनी तो बहुत सारी है, किसको पकड़ोगे दिमाग। सो बेसिकली ये स्टोरी जब मैंने सुनी थी ना सच में, तो मैं बिलीव नहीं कर पाया था उस पर कि तो सच बोल रही है, मतलब ये सब हुआ। मेल पे मैंने जब स्टोरी पढ़ी, फिर मैंने बात भी की, ये थोड़ा इसके अंदर फन फैक्टर कम होगा, लेकिन जो सच में हुआ है उसके साथ में, बस वो फटाफट से मैंने आया सोचा कि भाई आज ही सुनिए, आज ही आके सीधा बना देता हूँ वीडियो, रुकना ही नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट, बढ़िया वीडियो है, एंड तक देखना, मजा आएगा। ये किस्सा जो है वो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है, उनको इंस्पायर करेगा, उनको मजबूर करेगा अपनी फैमिली को प्यार करने पर। और एक फैमिली एक बच्चे की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करता है, उनके पेरेंट्स क्या वैल्यू ऐड करता है, वो चीज़ सीखने को मिलेगी आपको इस स्टोरी के दौरान। बेसिकली मेरा मोटिव यही रहता है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, चलो फन कॉमेडी वे में तो बनाया था कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलर जो आप ध्यान से नोटिस करो तो आपको पता चलेगी कि कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ जो पर्टिकुलर नहीं करनी आपको। क्योंकि आप मानो ना मानो एंटिटीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, दुनिया में सब एग्जिस्ट करता है। और अगर ना भी है तो क्यों पंगे लेने भाई, अपनी लाइफ प्यारी नहीं है क्या? अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, घर वालों के बारे में सोचो, लोग फालतू में लोग गेम्स खेलते रहते हैं, हॉरर गेम्स, ये सब मत करो, क्यों पंगे लेना है? हॉरर स्टोरी सुनो सिर्फ, आगे बढ़िया मेरे चैनल पे आओ सुनो, मैं सुना रहा हूँ ना, बस इतना करो। तो ये स्टोरी है नंदिनी की, MP के एक छोटे से गांव में वो रहती थी पढ़ाई में वो काफ़ी होशियार थी, 12th उसने क्लियर कर ली। एंड उसको जाना था बाहर, एक सिटी का नाम मैं नहीं लूँगा, वहाँ पे उसको जाना था पढ़ने के लिए कि भाई मैं पढ़ाई वढ़ाई करके एकदम थोड़ी बड़ी अफसर बनूंगी, जो भी है, मतलब उसको कुछ उसके गोल्स थे, वैसे मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा ज़्यादा। लेकिन घर वाले जो थे वो नहीं मान रहे थे उसको आगे पढ़ाने के लिए, या फिर क्योंकि गांव में ऐसे ही होता है ना कि भाई 12th पढ़ ली बहुत है, लेकिन वो होशियार थी, उसके मतलब एम्बिशंस बहुत ऊपर थे, तो उसके घर वालों ने ना बोला, लड़ाई करी कि नहीं जाना, भाई था बड़ा, मम्मी थी, पापा थोड़े सपोर्टिव थे हालांकि, लेकिन मम्मी ने ना बोला नहीं जाना, दूसरी सिटी में अकेली क्या करेगी, PG में ये वो, यहीं पर पढ़ ले जो पढ़ना है ये वो। लेकिन वो बहुत लड़ाई करी, पापा को बनाया, उसके चाचा को भी बनाया, उनने फाइनली कुछ कुछ करके लड़ाई झगड़ा करके घर से भेज दिया। अब वो मनमुटाव करके निकल तो गई, उस सिटी में पहुंची, वहाँ पे गई, उसका ये प्लान था कि वहाँ पे जाके वो PG में रहेगी, जो उसको स्टडी करनी है उसके रिलेटेड जाके क्लासेस कोचिंग सर्च करेगी, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे PG होते ही ऑलरेडी, तो PG में जाके किसी के साथ रह लेगी तो हो गया सेट है। अब क्या, वो स्टेशन पर उतर के वो गई बाहर, ढूंढे क्लासेस कोचिंग गई, बात की भाई क्या फीस है क्या है, सब कुछ हो गया। मुझे पूछा कि भाई PG कहाँ पे, आपके जो स्टूडेंट्स रहते होंगे वो कहीं पर रहते होंगे ना, उन्हें बताया कि भाई यहाँ पे। अब वो PG के पास गई, PG में जाके सर्च किया सब लोगों को, लेकिन पता चला कि PG जो है पूरा भरा हुआ है, फुल है एकदम, जगह ही नहीं है रहने के लिए, जगह ही नहीं है, बहुत लोग स्टडी करने आ रखे हैं। और वो थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि उन्होंने बताया ना घर में लड़ाई वगैरह चल रहे थे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उस चक्कर में उसको जाने नहीं दिया, लेट हो गया था आने में, उस चक्कर में पूरा PG जो है वो फुल हो चुका था। अब ये कहाँ जाए, रोड पर खड़ी है अकेले, परेशान, यहाँ से वहाँ घूम रही है, कभी किसी को पूछ रही है। अब रोड पर खड़ी हुई है, 3-4 घंटे हो गए इसको लगातार धूप में घूमते हुए घर के लिए, इसने घर पे से हेल्प नहीं मांगी कुछ, क्योंकि इसको लगा कि भाई घर पे बता दूंगी तो वापस वही कलेश हो जाएगा, बवाल हो जाएगा कि मैंने तो ना बोला था मत जाइए। वो खड़ी है, अचानक से एक लेडी उसके पास आई, बड़ी वियर्ड सी लेडी थी, मतलब उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत दिनों से ना ही ना हो एकदम, मतलब अजीब सी लग रही थी, लेकिन ठीक है, बोलने में सही थी वो लेडी। तो वो आके बोलती है प्यार से कि बेटा क्या हुआ आपको, कब से मैं देख रही हूँ 2-3 घंटों से, मैं यहीं पर रहती हूँ पास में, 2-3 घंटे से आपको देख रही हूँ और आप कब से घूम रहे हो यहाँ पे, PG नहीं मिला गया? तो इसने बोला कि हाँ नहीं मिल रहा मुझे PG, क्या करूँ कहाँ पे रहूँ। तो इस लेडी ने बोला कि हाँ एक्चुअली होता है यहाँ पे ऐसा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो आए दिन मैं देखती रहती हूँ, वो पास में ही रहती है यहाँ पे, तो उसको पता होगा कि भाई स्टूडेंट्स रह नहीं पाते, चले जाते आधे, तो आधे बहुत ढूंढते रहते हैं, आधे आधे साल तक ढूंढते रहते हैं, घर रहने के लिए नहीं मिलता है। अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर ऐसी कोई लड़की आपको रास्ते पे बैठी हुई मिल जाए तो क्या आप लोग जाओगे उसके पास? मंद मुस्कुराओ, बताओ, जवाब दो। खैर सबके डिफरेंट ओपिनियन होंगे, लेकिन सोचो अगर ये ओपिनियन देने के आपको पैसे मिले, जी
यहाँ गाइस अपना ओपिनियन देने के आपको मिलते हैं पैसे प्रोबो ऐप पर। प्रोबो इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आपको यस या नो में जवाब देना होता है। आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे वो क्रिकेट हो, क्रिप्टो हो, यूट्यूब हो, हर फील्ड के आपको हमें सवाल मिल जाएंगे, उसके आपको अपने ओपिनियन देना है। एक ट्रस्टेड ऐप है जिसका यूज ऑलरेडी 2 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच, उसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया था और लाखों रुपए जीते थे। मजाक नहीं करा, बहुत पैसा अपने पास। तो अभी चल रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उसमें एक सवाल आ रखा है प्रोबो पे कि ये सीरीज जीतेगा कौन। अब मेरे को तो बताया इंडिया जीतने वाले, तो मैंने लगा दिया भाई हाँ पे। तो आप भी अपना ओपिनियन इस पे दे सकते हो, और अगर आपको अपने ओपिनियन पे पूरा भरोसा है, गट फीलिंग है कि जीतोगे, तो क्वांटिटी बढ़ाकर अपना प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ा कर सकते हो। देखो इस ऐप में डिपॉजिट और विड्रॉ करना बहुत ही आसान है, UPI, पेटीएम कार्ड किसी के भी थ्रू, जो भी आपको पसंद हो कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से अगर डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा ₹25 का वेलकम बोनस। तो देर मत करो, जाओ शुरू हो जाओ मेरी जान। तो जाओ डाउनलोड करो प्रोबो ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, डाउनलोड करो, मजे करो, अर्न करो। तो इस लेडी ने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर दूर ही एक फ्लैट है, मुझे पता है क्योंकि मेरे जो पति है वो ब्रोकर ही है, तो वहाँ पे एक फ्लैट है, वो थोड़ा सा 2BHK फ्लैट है एंड वहाँ पे आप रह सकते हो। इसने बोला कि 2BHK फ्लैट, इतने बड़े फ्लैट में मैं अकेले जाके क्या करूँगी भाई, मतलब कोई पार्टनर हो तो समझ में आता है, लेकिन अकेले मतलब रेंट भी तो भारी पड़ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो फ्लैट सस्ते में मिल रहा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही ये बात उसने सुनी, वो तो ऑलरेडी पागल थी कि उसको कैसे भी करके फ्लैट या फिर PG कुछ मिल जाए रहने के लिए। जैसे उसने ये सुना कि भाई मुझे सस्ते में मिल रहा है, इसने ये सब नहीं सोचा कि भाई सस्ते में क्यों मिल रहा है, इतना बड़ा ये वो, उसने सीधा ये सोचा कि भाई मिल गया फाइनली सस्ते में, और ये कोशिश की खुशी का ठिकाना नहीं, ये तो पागल, जल्दी मेरे को लेकर जाओ, लेकर जाओ, जल्दी मेरे को जाना है, यहाँ पे शिफ्ट होना है, बोल दिया भाई मैं तो जा रही हूँ साथ में। तो ये जो लेडी थी उसने बोला कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, आपको लेके चलती हूँ। दोनों रिक्शा में बैठे, रिक्शा में जाके गए पहुँचे। अब वो रिक्शा से उतर के दोनों एक बिल्डिंग के पास आए। इस लेडी ने इस बिल्डिंग को दिखा के बोला ये बिल्डिंग है, इसका नाम है रंगीला दास बिल्डिंग, रंगीला दास नाम की बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग का नाम। बट इस लड़की ने बताया कि वो जो लेडी थी वो काफ़ी बीच बीच में ना अजीब सा बिहेव कर रही थी, रिक्शा में बैठी थी ना जब, तो वो बार बार उसको ऐसे घूरे जा रही है। अब कुछ लोग होते हैं, कई लोग मैंने देखे हैं जो ऐसे बिना काम आपको आपको यूँ घूरते रहते हैं पता नहीं क्यों, तो 2-3 बार घूरे जाते हो। इसने भी देख के बोल दिया हाँ आंटी कुछ चाहिए, क्या हो गया ऐसा। तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब बेटा आप भी मेरी बेटी जैसी ही हो, मतलब आपकी हेल्प करने में मेरे को खुशी हो रही है ये वो। तो इसने सोचा कि भाई अच्छे लोग भी है दुनिया में, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि कितनी अच्छी थी वो, क्योंकि जब वो आई बिल्डिंग के पास, बिल्डिंग में एंटर करी और बिल्डिंग के जस्ट बाहर ही वो जो लेडी थी वो रुक गई, और जो लड़की थी वो बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गई। इस लेडी ने बाहर से खड़े खड़े बोला कि 4th फ्लोर पे 403 है, वो रूम खाली है, और 402 में उनके जो मकान मालिक है वो रहते हैं, तो आप जाके उनसे डायरेक्ट बात कर लो एंड सब कुछ सेट कर लो, मतलब क्या कैसे करना है। तो इस लड़की ने बोला कि नंदिनी ने बोला भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आप यहाँ तक आए हो तो ऊपर भी चल लो, बात बात कर लो, मेरी बदले क्या जा रहा है, आपके पति वैसे ही ब्रोकर है तो सारा काम वाम हो जाएगा। तो इसने कहा कि नहीं नहीं मेरे को तो लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। तो वो बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं की, वो वहीं से निकल गई सीधा, इतना बोल के निकल गई। इसको बड़ा अजीब लगा, पर इसने सोचा कि चलो छोड़ो यार, मेरे को जो चाहिए था तो मेरे को मिल गया। तो ये तो ऊपर गई, अब सीढ़ियों से गई क्योंकि लिफ्ट थी नहीं, थोड़ी टूटी फूटी सी बिल्डिंग थी। 4th फ्लोर पे पहुंची, अब पहुंच के 403 देखा, उसमें जाली वाली लग रखी थी, उसमें जंगले वंगले लग रखे थे एकदम मकड़ी के गंदे से, जैसे बहुत टाइम से खाली पड़ा हो। 402 जस्ट उसके बगल में था। गेट खटखटाया, खटखटाते ही वो गेट खोला, एक बूढ़े टकले अंकल ने, उनके साथ उनकी वाइफ रहती थी, उनसे बोला कि ये बगल वाला फ्लैट आपका है। जैसे ये पूछा वो बूढ़े के तो होश उड़ गए, एकदम चक्के जाम हो गई, क्या हो गया। तो इसने बोला कि मुझे ये फ्लैट चाहिए एक्चुअली, मैं PG में रहने आई थी, PG मिलानी, जो जो भी हुआ सब कुछ बता दिया। तो ये बूढ़ा बोला कि ठीक है आप रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्राइस में मतलब आपको दे दूंगा, लेकिन आपको इस फ्लैट के बारे में बताया किसने, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने पूछा। तो इस लड़की ने बोला कि एक लेडी थी मेरे को मिल गई, उनने आपके बारे में बता दिया, वो ब्रोकर है उसके पति तो जानते होंगे। तो ये बहुत, उस बूढ़े के एक्सप्रेशन उस वक्त एकदम ही चेंज हो गए। इसने बताया कि जैसे ये चीज़ उसने बताई ना कि ये लेडी मेरे को छोड़ के, एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो गई, हाव भाव बदल गए पूरे, और कुछ ज़्यादा बोला नहीं, बस उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ये लो फ्लैट की चाबी, आप चाहे जब रेंट जमा करवा देना महीने के एंड में, डिपॉजिट ये होगा। तो उसने डिपॉजिट दे दिया ऑन द स्पॉट ही, सब कुछ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब एक लड़की को इतना बड़ा 2BHK घर मिल गया इतने सस्ते प्राइस में, और वो भी काफ़ी अच्छा घर था, तो और क्या चाहिए। जाके उसने साफ सफाई शुरू कर दी, सारी साफ सफाई कर दी, सब कुछ साफ कर दिया, जंगले वंगले लग रखे थे, सब कुछ साफ एकदम। अब शाम हो गई, शाम होते ही क्या हुआ, उसके मम्मी का कॉल आया, और एज यूजल जैसे उनकी बनती नहीं थी उसकी मम्मी से, जैसे ही कॉल आया उसकी मम्मी ने बोला कि अब जाके तू पहुंची है घर पे, क्यों तू कब तक कहाँ थी ये वो। तो उसने समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो लड़ाई वापस शुरू, तेरे को ना बोला था, कलेश कर दिया पूरा कि भाई तेरे को ना बोला था, क्यों गई वहाँ, परेशान हो रही है, बता भी नहीं रही है वो। तो उसने बोला मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने आप संभाल लूँगी खुद का, तुम जाओ। झगड़ा वगड़ा करके आधा घंटा फ़ोन ऑन काट दिया, स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन कि भाई बात ही नहीं करनी, स्विच ऑफ करके अब वो गई लेटने के लिए रूम में, ठीक है। 2 रूम थे, एक उस साइड रूम था, एक इस साइड रूम था, बीच में हॉल था, किचन था, ठीक है, बीच में किचन हॉल, दोनों साइड रूम। इस वाले रूम में ये सोती थी, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले रूम में।
जाके इतनी थक गई थी काम वाम करके कि डायरेक्ट जाके वो लेट ही गई, और लेटते ही नींद आ गई। नींद आई ऐसी भयंकर नींद आई कि सीधा इन अ फ्यू सेकंड्स उसको नींद आ गई, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी पूरे दिन की, ऊपर से काम वाम भी किया घर का सब कुछ, तो बहुत थक गई थी। देन क्या होता है कि एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि वो जो बेड था वो ऑलरेडी वहाँ पे था, बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ वो बेड ही वहाँ पे था और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो वो बेड पे जाके सीधा सो गई, वो पहले से बेड वहाँ पे था, जाके सोई। एंड रात को उसकी अचानक से 2:30 बजे नींद खुलती है एक ट्रेन के हॉर्न से। अब एक चीज़ बताता हूँ, वो जो उसका फ्लैट था उसके जस्ट पास में थोड़ा सा ही दूर एक रेलवे स्टेशन था, छोटा स्टेशन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लोकल स्टेशन ही था। तो उसमें से जब गाड़ी जाती थी तो वो हॉर्न वगैरह मारती थी, तो मतलब समझ लो कि हर आधे घंटे में पौने घंटे में एक ट्रेन जाती रहती थी, तो उसकी आवाज़ तो आती। अब इसको आदत नहीं थी उस चीज़ की, तो 2:30 बजे रात को अचानक से गाड़ी जाती है स्टेशन के पास से, हॉर्न बजता है जोर से, इसकी नींद खुलती है अचानक से। ये इस साइड करवट लेके सो रखी थी, ठीक है। फर्स्ट डे ही इसके साथ इतना भयंकर हादसा हुआ जो शायद आप में से किसी के साथ होता है या मेरे साथ भी होता, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दूसरे दिन भी मैं वहाँ पर टिक पाता। खैर, ये ऐसे एक साइड मुँह करके सो रही थी दीवार की साइड, पीछे ऐसे थोड़ी सी जगह थी, ठीक है, बेड बीच में था। अब क्या हुआ कि अचानक से जैसे वो हॉर्न बजा, इसकी आँख खुली, जग के, फिर ऐसा थोड़ी है कि जग के सीधी उठी जाएगी, जग के आँख खुली, फिर वापस सो गई रात को 2:30 बजे वापस सो गई। अचानक से इसके गेट से आवाज़ आती है, किसने लिटरली गेट खोला, पूरा गेट खुला है करके इसको आवाज आई। ये कुछ सोचती उससे पहले तो इतना घबरा गई कि ये कुछ मोमेंट भी नहीं कर पाई, मतलब हिल भी नहीं पाई, इतनी मतलब 100 ख्याल एक साथ आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो घर में, सोचो और नई जगह पे हो, आप किसी को नहीं जानते, इतनी वियर्ड चीज़ हो रखी, सुबह कोई लेडी आपको छोड़ के गई, एंड सडनली आपको 2:30 बजे आपकी नींद खुलते ही ये चीज़ होती है आपके साथ। इससे भी ज़्यादा वियर्ड तब हुआ जब गेट खुलते ही, गेट जैसे ही खुला है, एक लेडी हमिंग करते हुए, एक कोई चीज़ जैसे गुनगुना रही हो ऐसे, इस टाइप में कोई साउंड गुनगुना रही थी। जैसे ही इसने ये सुना कान में, इसके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होने के बाद जो होता है वो हो गया, क्योंकि रोंगटे तो हमारे ही खड़े हो गए सिर्फ सुन के, इसके साथ वो हो रहा था और ये इस साइड मुंह करके सो रही थी। वो देख नहीं रही कि क्या है कौन है, इसको लगा कि मैं देख लूंगी कुछ हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट वो वहाँ पे पड़ी रही थी, बस वो जग रही थी, ठीक है। ये भगवान से बस विश मांग रही थी कि ये मेरा बुरा सपना हो, बुरा सपना हो, बुरा सपना हो। लेकिन सपने में अगर पता चल जाता है कि सपना है तो सपना टूट जाता है, बट वो रियलिटी थी। अब वो सो रही है, कोई लेडी अंदर एंटर हुई, उसको आवाज़ आई, वो यहाँ सो रही है, वो लेडी यहाँ से एंटर होके इसका बेड जो है उसके बगल में से ऐसे जाके जस्ट यहाँ पीछे आ रही। अब लेडी जस्ट इसके पीछे जस्ट बेड के बगल में हमिंग करते हुए आ रही है चलते चलते, और ये उल्टा बस लेटी हुई है। तुम समझ रहे हो, सुन पा रही है जस्ट पीछे और वो कुछ नहीं कर सकती। देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स उसने कुछ चैंटिंग करना स्टार्ट किया, और वो चैंटिंग ऐसी कुछ चीज़ें कर रही थी जो भाषा, जो लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको समझ लो फ्रेंच नहीं आती होगी, लेकिन फ्रेंच आप सुनोगे तो पता चल जाएगा हाँ ये कोई लैंग्वेज तो है। पोर्टुगीज़ नहीं आती होगी लेकिन समझ आएगा, ये अजीब ही, ये बता रही थी कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो पता ही नहीं चल रही कि क्या है, क्यों ये क्या बोल रही है, मतलब कुछ अजीब ही, असल में कोई मंत्र चैंटिंग कर रही है लेकिन बहुत ही अजीब भाषा में। आज वैसे होता है ना, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब पर बड़ी ही अजीब भाषा में कुछ चैंटिंग कर रही है। धीरे धीरे उसका साउंड बढ़ रहा है और ये वहीं लेटी हुई है, ये मुड़ भी नहीं रही। इसने सोचा आज तो मैं मरी, ये कुछ भयंकर ही हो गया, मरी। आवाज़ बढ़ते बढ़ते अचानक से फिर एक घंटे की आवाज़ स्टार्ट होती है चैंटिंग के साथ, साथ में आवाज़ चल रही है, साथ में घंटी बज रही है इसके जस्ट पीछे। इसने बोला कि ये कंटिन्यू 5 मिनट तक उसके साथ हुआ, उसके बाद अचानक से क्या हुआ उसको नहीं पता। इसको पता ये जगी हुई है, लेकिन जगी हुई में इसकी वापस आँख खुली और देखा तो कोई नहीं था, मतलब इसको फील हुआ कि मैं सपना देख रही थी वो वाला, लेकिन वो एक्चुअल में जगी हुई थी। आपको एक्सप्लेन कैसे करूँ, मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बताया गया है। उसने बोला कि मैं जगी हुई थी, मुझे पक्का पता है मैं जगी हुई थी, एंड मैं ऑल ऑफ सडन मतलब जगी हुई, मैंने आँख खोली वापस से और मैं सपने में से बाहर आई ऐसा लगा मुझे, एंड वो सब कुछ फील कर पा रही है कि यहीं वो लेडी खड़ी थी, ये है वो है, पूरा पसीना पसीना वो लड़की हो गई।
परेशान होगी बहुत ज़्यादा कि भाई अब करे क्या। वो सुबह तक जागी, ठीक है, अगला दिन हुआ वो सुबह अपना ट्यूशन गई, सब कुछ अटेंड किया। उसको लगा कि यार, थोड़े टाइम बाद उसको लगा कि मतलब दोपहर शाम तक कि शायद क्या पता मैं बहुत थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी, इससे पहले इतना कभी थकी नहीं थी वो, क्या पता मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ, नई नई जगह है, ये सब हो रखा है, इसलिए छोड़ो आज वापस वहीं पर सो जाते हैं। मतलब इतनी डरिंग है, वो वापस वहीं पर जाके सो गई, उसी बेड पर जाके वापस सो गई। अगले दिन फिर से रात को 2:30 बजे हॉर्न बजता है, इसकी नींद खुलती है 2:30 बजे। जैसे इसकी नींद खुली 2:30 बजे, इसने टाइम नहीं देखा था, लेकिन हॉर्न बजते जैसे इसकी नींद खुली, इसने एक्सपेक्ट किया कि 2:30 ही बजे होंगे। इसने फ़ोन खोल के देखा, एग्जैक्ट 2:30। ये देखा, फ़ोन बंद किया, लाइट बंद, लाइट बंद होते ही गेट पे इसके साथ वापस से ओ शिट। इसने सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे जब कल पता था फिर भी मैंने सेम चीज क्यों दोहराई। वापस वो लेडी गुनगुनाते हुए आई, इसके पीछे आके चैंटिंग शुरू, मानो घंटी बजाना शुरू, एंड इसकी पड़ रही है भाई 10 मिनट तक। इस बार ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, 10-15 मिनट तक चला। ये वहीं पे उल्टी लेटी हुई है, कुछ नहीं कर पा रही है। इसको लग रहा है बस मैं उल्टी लेटी हुई इसलिए बची हुई हूँ, सामने देख रही हूँ मर जाऊँगी। अजीब सी भाषा में, वो बहुत अजीब सी भाषा में क्या पता क्या चैंटिंग कर रही है, एंड बहुत अजीब सीन हो रहा है। इसका दिल एकदम बैठ सा गया, बिलीव करो कोई और होता तो इस जगह पर मतलब शायद हार्ट फेल हो ही जाता। उसने बोला कि मैं पता नहीं कैसे झेल गई उस चीज़ को, हालांकि मैं उतनी बड़ी बहादुर तो हूँ नहीं, फट्टू भी एक तरीके से, लेकिन पता नहीं कैसे झेल गई। जिनको जान प्यारी होती है ना वो सह लेते हैं कुछ ना कुछ करके, मैंने देखा ये चीज़ तो, लेकिन फिर भी ये बहुत डेयरिंग वाली बात थी। बट डेयरिंग वहीं करो जहाँ ज़रूरत हो, ऐसी जगह उड़ता तीर मत ले लो। खैर अब तो ले लिया था, एंड वो सोती रही वहीं पे 10-15 मिनट। ऐसे टाइम पे आप सोचो कि आप हो, आपको नींद तो घंटा नहीं आएगी, आप वहाँ से उठ के भागने की सोचोगे या तो मर जाओगे, पड़े पड़े बेहोश हो जाओगे। ये बंदी को वहाँ पे नींद आ गई, 15 मिनट बाद उसको नींद आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घंटी कर रही है ना कुछ, उससे वो पजेस हो रही है, उसको नींद आ गई, वो सोई गई। एंड बिलीव मी, उसने ये जो बोला ये चीज़ पर्टिकुलर मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। वो जब उठी सुबह, वो दूसरे कमरे में थी, वो सोई इस कमरे में, उठी दूसरे कमरे में। जब उसने ये देखा, उसके होश उड़ गए कि भाई ये तो कुछ ओवर द टॉप चीज़ ही हो गई है, मतलब ऐसा तो सोचा ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, एस्ट्रल ट्रैवल करवा रही है यार आत्मा, तेरे को सोना था यहाँ तो बता देती मेरे को, पहले चल जाती मैं। खैर मजाक से हटके, अब वो गई सुबह ट्यूशंस, एंड इसकी फटी हुई, ये सो नहीं रखी सही से 2 दिन से, एंड इसके आंखों के गड्ढे आ रहे धीरे धीरे, बीमार बीमार सी लग रही है, एंड सुस्त हो गई, सुस्त बहुत ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई में इतनी एक्टिव मतलब लड़की थी, एकदम सुस्त सी हो गई। ये ऐसी थी एकदम फाइटर स्पिरिट वाली होती है ना लड़की, एकदम कि भाई ये कर लूँगी वो कर लूँगी, सुस्त सी हो गई। मतलब किसी से कुछ बात नहीं करी, ट्यूशन जा रही है, वहाँ पे सो रही है, आधा गिरती पड़ती। अब इसको लगा इसके दोस्तों को वो बताए, 2 दिन में जो दोस्त बने थे उनको बताया कि भाई क्या क्या हुआ उसके साथ, तो कोई इसकी हेल्प करे। इसने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को बताऊं, लेकिन वही फैमिली को बताया तो उसकी फैमिली वाले बुला लेंगे आपस से, पहले मुश्किल से भेजा कलेश करके। फ्रेंड्स को बताया तो फ्रेंड्स तो मजाक में लेंगे। अब कोई चारा नहीं बचा इसके पास में, ये शाम तक तो बाहर घूमी। शाम को सोचते 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 वापस चौथे माले पे आई, अपना गेट खोला और अंदर एंटर हुई। अंदर एंटर हुई, लाइट वाइट ऑन करी, अपने रूम को बाहर से देख रही थी, बस वो बाहर खड़े हुए देख रही है कि यहाँ पे क्या होता है रात को 2:30-3 बजे, यार मैं क्यों, मेरे साथ ये हो रहा है। देन सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि झगड़ों के चक्कर में, इन सब के चक्कर में मैंने अभी तक घर में मंदिर तो लगाया नहीं है। वो फटाफट से सब कुछ काम वाम छोड़ के फटाफट से जाती है अपने घर में, पहले एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर देती है, भगवान की पूजा उजा करती है, छोटी छोटी मूर्ति होती है, मूर्ति निकालती है, बैग से लगाती है, सब कुछ करके भगवान जी रक्षा कर रख देती है, उसी रूम में फिर आके सो जाती है। रात के 2:30 बजते हैं, गाड़ी का हॉर्न बजता है, इसकी आँख खुलती है, इसको पता है 2:30 बज चुका, बट अब इसके लिए गेम बन गया है कि क्या अब वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। बड़ा वियर्ड है सुनने में ये, लेकिन 2:30 बजे गेट का लॉक जो है खुलता है, बट गेट ओपन नहीं होता, सिर्फ छिक छिक होके रुक जाता है। यहाँ पे इसको लगता है कि अब सोचो इतना ही होना बहुत बड़ी बात है, रात को आप सो रहे हो एंड सडनली आपके गेट पे, आपको पता है घर में कोई नहीं है, सडनली आपके गेट पे कोई छिक छिक करे, आपको दिख रहा है, आपकी फटेगी, गारंटी फटेगी। लेकिन इसको पहली बार ये देख के खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है कि फाइनली आई डिड समथिंग, ऐसी कामयाबी मेरे को नहीं चाहिए जिंदगी में, ठीक है। नाउ
नंदिनी ने 2 मिनट राहत की सांस ली, बट उसको पता चल गया कि यहाँ पे पक्का कुछ है, अब तो डेफिनेटली कुछ है, तो वो शिफ्ट करने वाली है। ठीक है, तीसरा दिन हो गया ये, एंड एक दिन पहले ही मन बना लेते तो अच्छा होता, क्योंकि तीसरे दिन जो हुआ वो तो और ही भयंकर था। अब तक तो सिर्फ उसको एहसास हो रहा था कि उसके पास घूम रही है, यह है, अपना अपना कर रही है। सडनली क्या होता है, अचानक से गेट के बाहर से आवाज़ आती है, माला ये हो गया, ऐसा क्या करता है। लिटरली मराठी में ये चीज़ उसको सुनाई देती है, एक लेडी बड़ी ही भयंकर आवाज़ में मराठी में बोल रही है कि मुझे अंदर आने दे, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्या कर रही है, अंदर आने देना प्लीज। ने जब ये सुना, इसको पता चलेगा कि भी मराठी है एंड कुछ तो आने की बोल रही है। क्लियर सुना उसने कि यही आवाज़ थी, यही बोली, माला यू गया ऐसा क्या करता है। ये सुन के तो भाई, जब आपसे कन्वर्सेशन कर रही है ना कोई एंटिटी, भाई ये लास्ट है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। वो डायरेक्ट आपको चैलेंज कर रही है, आपको बोल रही है अंदर आने देना एक बार। इसने सोचा भगवान की मूर्ति आज लगा दी, वरना आज तो शायद मैं गई ही थी। उस दिन रात को हुआ ऐसा कि बाहर से हॉल में जो है आवाज़ आ रही है, प्लेटें टूटने की आवाज़ आ रही है, कभी कुछ टूट रहा है, मतलब भारी भारी चीज़ें उठा के पटकने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, ऐसी अजीब आवाज़ आ रही है कि भाई अगल बगल के लोग भी आ जाए इतनी आवाज़ से। तो इतनी आवाज़ जो इसको सुनाई दे रही है, इसको बस ये विश कर रही है कि एक तो ये अंदर ना आए और कोई और पड़ोसी जो है वो घर के अंदर आ जाए, एक बार तोड़ ओड़ के घर, ताकि पता चले कि क्या सीन। अब इसको पता था कि भाई सुबह उठूंगी कुछ ना कुछ बाहर अजीब मिलने वाला है। ये कुछ करके एक घंटे बाद सो गई, एक घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया, सो गई पता नहीं कैसे। बट वो जो एंटिटी थी, ये देखने वाली बात है, वो रूम के अंदर एंटर नहीं हुई उस दिन। देन वो सुबह उठती है, 8 बजे उजाला हो गया होता है, गेट खोल के बाहर जाती है, सब कुछ क्लियर, कुछ टूटा हुआ नहीं, सब कुछ परफेक्ट। अब इतना तो सुनाई देता है यार, बाहर ही कुछ आवाज़ टूट रही है तो पता चलता है ना, सब कुछ क्लियर। पर अब ये इतना ज़्यादा हो गया था कि इसकी तबीयत हो गई बहुत ख़राब। फिर भी ट्यूशन गई सुबह सुबह, इसकी तबीयत एकदम डाउन, इतनी ख़राब कि मतलब ये वहीं पर ट्यूशन में बेहोश, सुस्त हो गई पूरी बॉडी, वो कुछ मूव नहीं कर पा रही, हिल नहीं पा रही। 2-3 घंटे तक बेहोश रही, उसके सर, उसके क्लासमेट्स ने उसको संभाला, सही किया सब कुछ, कि भाई पानी वानी पिलाया, खाना खिलाया, जगा के सब कुछ कराया, हॉस्पिटल एडमिट करवाया। वो दिन तो सही से निकल गया हॉस्पिटल वाला। अगला दिन हुआ, छुट्टी हुई, सब कुछ हुआ, उसके क्लासमेट्स ने उसका साथ दिया, उसने बोला कि भाई अब तू जा, सही हो गई तू। उसके सर ने बोला कि ठीक है, अब सब कुछ परफेक्ट है। अगला दिन हुआ, उसको जाना तो अपने घर पे ही है, क्या करे। अब ये हॉस्पिटल से वापस आ रही है अकेले, पैदल, सुनसान सड़क पे एकदम पैदल 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 पैदल। इसके साथ इतनी वियर्ड घटना हुई उस वक्त, उसके हाथ में एक धागा, जो भगवान का कोई भी धागा बांध, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, चलते 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 अब वो सड़क पे ना लेफ्ट साइड में एक जगह आती है जहाँ पे रेलिंग्स लगी हुई थी, कुछ जाली जाली वाले, एकदम जाली निकली हुई थी बाहर, ऐसे बहुत बड़ा लगा हुआ था कुछ, वो होता है ना जिसके अंदर मतलब एंटर ना कर सके कोई, तो मतलब जाली लगा रखी होती, दीवार नहीं थी वो, जाली लगा रखी थी। ये चल रही है, इसका वो सुधबुत कुछ नहीं है, एंड सडनली चलते चलते उसका वो धागा था रेलिंग जाली में उलझता है, टूट जाता है, टूट जाता है। उसको अचानक झटका लगता है कि यार धागा टूट गया, वहाँ पर लटका हुआ था, उसने उठाया उसको, उसने कहा कि पूरी बॉडी पे एक स्क्रैच नहीं आया, इवन ये जो सब जो धागा तो एकदम चिपका होता है स्किन से, स्किन पे भी नहीं लगा, सिर्फ धागे पे आया और धागा तोड़ के ले गया, स्किन पे कुछ एक खरोच तक उसको फील तक नहीं हुआ। उसने डेफिनेटली समझ लिया कि भाई ये एंटिटी सिर्फ घर में नहीं, ये मेरा बाहर भी हार्म पहुँचा सकती है मेरे को, मैं जाती हूँ घर में अपना सामान पैक करती हूँ, रात को कहीं ना कहीं निकलती हूँ। फिर भी घर पर जाने का रात को डिसीजन उसने बनाया, रात के 10-11 बजे के आसपास वो पहुँची घर पर। इसने गेट खोला, गेट खोलते ही लाइट ऑन की, 5 सेकंड के अंदर लाइट बंद, अपने आप लाइट गई। इस फटाफट से अपने फ्लैश ऑन किया, फ्लैश ऑन करा, सामने जैसे ही फ्लैश किया, रूम के कोने में, हॉल के कोने में एक लेडी खड़ी हुई है। कैन यू बिलीव इट, एक लेडी नाइट गाउन में खड़ी हुई है, नॉर्मल जैसे अपनी लेडी होती है 25 से 30 साल के बीच की जो लेडी होती है, और वो कुछ नहीं कर रही, वो मूव नहीं कर रही, खड़ी हुई है और इसको देख रही है। घर लॉक था, तो अंदर कैसे आया, इसको तो पता ही था कि कुछ ना कुछ हो रहा है घर में। जैसे इसने ये देखा, सामने फ्लैश ऑन करते सामने आई एकदम, वो सामने कोने में खड़ी हुई दिखी, इसने आओ देखा ना, ताओ ये ऑन द स्पॉट वहाँ से भागी, वो बस भागी। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब, क्योंकि उसने आते ही मतलब लाइट ऑन करी थी, गेट बंद किया था, ठीक है अपना गेट बंद किया और फिर लाइट गई, तो जैसे फ्लैश ऑन के सामने देखा, पीछे गेट तो बंद ही था, उसने उल्टा मुड़ के गेट ओपन करके भागी है। वो तो वो बोलती है कि भाई जिस वक्त मैंने गेट ओपन कर भी रही थी, मेरे को ऐसा लगा पीछे से आके पकड़ ली। उस वक्त सिचुएशन उसमें ऐसी होती है, मतलब अगर आप इमेजिन करोगे, ये चीज़ इमेजिन कर पा रहे होगे, आप उल्टे मुड़े हो, आपको पता है आपके पीछे कोई है,
जो 3 दिन से आपके जान के पीछे पड़ा है, मैं तो सल्यूट करता हूँ अगर सच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुमने कैसे इसको हैंडल किया। लाइक मैं या कोई भी अंधा होता पहले दिन तो निकल लेता, इतना दूर इंडिया छोड़ के भाग जाता, रशिया पाकिस्तान किधर भी, इंडिया चाइना की बॉर्डर के बीचों बीच जितना खतरा नहीं होगा जितना यहाँ पे। ये फटाफट से भागी, चारों फ्लोर उतरी भाई, रोते रोते भाग रही है, जैसे ही नीचे गई ठुकी एकदम कहीं पर किसी इंसान से ठुकी, जैसे ही टक्कर लगी एक इंसान से, सामने देखा तो वो इंसान और कोई नहीं उसकी मम्मी थी। मम्मी ने उसको बोला फटाफट से तू मेरे साथ चल, जल्दी चल, मेरे को सब पता है सब क्या हो रहा है, जल्दी मेरे साथ चल। अब ये कन्फ्यूज हो गई कि भाई मम्मी को कैसे पता मेरे साथ क्या हो रहा है, फटाफट से बोलते चल 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 चल, रिक्शा थी वहाँ पे, रिक्शा बिठाया तुरंत लेके गई। अब क्या हुआ था कि उसकी मम्मी जो है, अब ये देखना बहुत ही प्यारी चीज़ है, स्कैरी के साथ बहुत ही प्यारी चीज़ है ये चीज़ कि उसकी मम्मी को सपने में हाथ आने लग गया अचानक से 2 दिन से कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, और इतनी सही से उसकी मम्मी की बात नहीं हो पा रही थी उसकी बेटी से क्योंकि वो झगड़े वगड़े चल रहे थे। तो कितना ही झगड़ा कर लो अपने मम्मी पापा से, लेकिन ये प्यार होता है कि उसकी मम्मी को सच में अचानक से रात को सपने में रियलाइज़ हुआ कि उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, और जब कन्वर्सेशन और सही से नहीं हुई थी इसकी बेटी के साथ, मतलब उन मम्मी की उनकी, तो वो और ज़्यादा डर गई थी। तो वो पहुँच ही गई, एंड जैसे ही पहुँची रात को उनकी ट्रेन पहुँची थी वहाँ पे, जैसे ही पहुँची ये सामने भागती हुई ठुकरी, मतलब मम्मी को समझ आ गया कि पक्का कुछ है। तो ऑलरेडी उनने एक बाबा से बात करी थी उन्हीं की सिटी में, उस सिटी में मंदिर था काफ़ी अच्छा, वहाँ के एक अच्छे सिद्ध पंडित थे, उनसे बात कर रखी थी कि भाई मैं अपनी बेटी को लेके आऊँगी, तो उनका कुछ झड़ाड़ा कर देना ये वो, बट ऐसा नहीं पता था कि जाती तुरंत ठुक जाएगी वो अचानक से। अब पूरे रिक्शा में ये बंदी रो रही है, बता रही है मैं ये हुआ, बट रोए जा रही है, बहुत गंदा रोए जा रही है, इसकी मम्मी इसको शांत करवा रही, कुछ नहीं बेटा हो जाएगा, सब कुछ ही हो, सब कुछ ही हो जाएगा। वो गए मंदिर में, मंदिर में एंटर होते ही इस लड़की को लग रहा है कि कोई चीज़ को, मतलब एंटर होने से रोक रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई खींच रहा है इसको पीछे, ये जाने नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे ही मंदिर आने वाला था उससे थोड़ी देर पहले अचानक से कान में आवाज़ आने लगी आउट ऑफ नोवेयर, रिक्शा के अंदर आवाज़ आ रही, इसको अचानक से अपनी मम्मी के फेस में चेंजेस होते हुए दिख रहा है कि फेस चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ये डर रही है अपनी मम्मी से, डर रही है रिक्शा वाले से, डर रही है रिक्शा से, डर रही है बाहर जा रही, मतलब जब तक मंदिर नहीं पहुंची इसको बड़े अजीब अजीब से ख्याल आने लग गए, पास में जैसे पहुंची कान में आवाज़ आ रही है बच्चा, और जैसे भी कुछ करके मंदिर के अंदर पैर रख दिया, सब कुछ गायब, सब कुछ गायब, ऊपर गया अचानक से ढीला शरीर हो गया उसको, उसकी मम्मी लेके गई एकदम ऐसा सुस्त कि मतलब गिर जाएगी, उसकी मम्मी उसको उठा के लेगी पंडित जी के पास में, पंडित जी को बताता कि भाई ये तो कुछ वियर्ड चीज़ हो गई है, वो क्या कुछ कृपी चीज़ है, तो मंदिर में बिठाया उसको, कुछ करवाया। अब वो काफ़ी सिद्ध थे पंडित जी, ये होश में तो थी एटलीस्ट, मतलब बेहोश नहीं हुई थी, बस थोड़ी सुस्त थी। अब क्या किया उन पंडित जी ने, ये चीज़ मैं बिलीव नहीं कर पाया था, बट उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया कि कुछ मंत्र अंतर पढ़े, कुछ थोड़ी बहुत पूजा वूजा करी उनके, रात को ये चीज़ हुई, देन उनके सर पे हाथ रखा, वो लड़की थी उसके सर पे हाथ रखा, एंड देन इतनी कह लो फैसिनेटिंग कह लो या फिर अनबिलीवेबल चीज़ हुई, इस बंदी को अचानक से फ्लैशबैक हुआ कि क्या हुआ, अचानक से इसको एक पिक्चर देखी, एक फ़ोटो देखी उसके दिमाग में उसको, कि एक लेडी वो जो बेड जिस पे सोती है उस पे सो रही है, और ये बेड इस कमरे में नहीं है जहाँ पे सोती है, वो उस वाले कमरे में, और ये लेडी और कोई नहीं, ये वही लेडी है जो स्टार्ट में उसे मिली थी और उसे फ्लैट तक छोड़ने आई थी, जिसने इसको ये फ्लैट बताया था, वो वियर्ड जो लेडी थी वो यही थी। ये देख रही है कि वो सो रही है, इसको दिख रहा है कि ये सो रही है वो लेडी, अचानक से रात को 2:30 बजे हॉर्न बजा, ये लेडी उठी, उठ के एकदम स्तब्ध यू है एकदम, उठ के ये चलते चलते हॉल में से पास होके उस वाले रूम में गई जिसमें ये सोती थी, वहाँ पे जाके अगरबत्ती उठाई, जलाई, दिया करा, घंटी ली, एंड सेम चैंटिंग जो उसने सुनी थी सोते वक्त वो करने लगी चोर चोर से, और वो किसके सामने कर रही थी वो उसने बताया, वो जो दिया था उसके प्रकाश से थोड़ी थोड़ी शक्ल दिख रही थी, वो कोई भगवान नहीं थे, वो ऐसी कोई मूर्ति थी जिसको उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ही वियर्ड, मतलब उनकी मूछे टाइप लग रहा था और बड़ा ही अजीब सा स्ट्रक्चर था कि वो पूजा कर रहे थे कुछ चैंटिंग करते करते और धीरे धीरे लाउड रहते जैसे वो एक्चुअल में हो रहे थे जब वो सो रही थी जो आवाज़ आ रही थी, वैसा ही चैंटिंग स्टार्ट हुई, पूजा करी 10-15 मिनट तक, एंड उसको दिख रहा है वो चीज़, पर सबसे ज़्यादा क्रीपी चीज़ तो ये वो किन की पूजा कर रही थी वो उनको नहीं पता, अजीब सी कोई मूर्ति जो हल्की हल्की उनकी शक्ल दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो स्माइल कर रहा है, वो जो मूर्ति है वो स्माइल कर रहा है, बहुत वियर्ड था, ऑरेंज येलो थोड़ी मूर्ति थी। देन क्या होता है, अचानक से ये छोड़ती है धूप बत्ती सब कुछ, ये बाहर जाती है घर के बाहर जाते ही ये हवा में इतना लेविटेट करने लग जाती है, और लेविटेट करते करते नीचे जाते 4 माले उतरती है, 4 माले उतर के बाहर रोड पे जा रही है, रोड पे जा सब देख रहे हैं इसको,
और ये देख पा रही है कि सगी ऐसे लिमिटेड होते हुए जा रही है, सब इसको देख रहे जा रही जा रही जा रही। वो स्टेशन पहुंची, रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वहां पे जाके ट्रैक पे आगे खड़ी होगी हवा में। इतना 5 मिनट बाद एक ट्रेन आती है और इसको चीथड़े उड़ा के चले जाती है। ये सब उसके सामने हुआ और जैसे उसने देखा है चीथड़े उड़े, उसके होश उड़ गए, चिल्लाई बहुत जोर से। जैसे चिल्लाई इसकी अचानक से आँख खोली कि भाई मैं तो ये सब देख रही थी, विजुलाइज कर पा रही थी कि उसके घर में एक्चुअली पहले ये हुआ था इस लड़की के साथ। फिर जो पंडित जी थे उनने रिवील किया कि एक्चुअल में ये जो बंदी थी ये भी इसी तरह, ये जो लड़की थी ये जो आई थी लड़ाई झगड़ा करके अपने घर से, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करके आई थी पढ़ाई के बहाने, ठीक है, आई थी 25-26 साल एज थी शायद इसकी। आके वो उस रूम में सोती थी, सब कुछ सही चला 1 महीने तक, देन उसका वहाँ पे एक बॉयफ्रेंड बना। उस बॉयफ्रेंड ने धीरे धीरे इसको अपने जाल में बहला फुसला के अपनी तरफ करके सब चीज़ें धीरे धीरे माने, हर रोज़ कुछ ना कुछ खाने को देता, कभी कुछ पहनने को देता, ये सब करता और उसको पूरा वश में कर लिया। क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो और उसकी फैमिली मिलके उस लड़की पे काला जादू कर रहे थे, ब्लैक मैजिक। अब वो काला जादू की प्रैक्टिस ये भी करने लग गई। उस बॉयफ्रेंड ने इस बंदी को मना लिया कि तू भी ये चीज़ें स्टार्ट कर। शायद उसके बॉयफ्रेंड को बलि चाहिए थी इसकी, इसलिए उसने ये सब किया और बुलवाना स्टार्ट किया जो जो मंत्र वगैरह था। वो थोड़े टाइम बाद बिना चाहे हर रोज़ वो चीज़ करने लगी। रात को 2:30 बजे उठती, मंत्र पढ़ती और सो जाती अपना जाके। वो काला जादू इतना ज़्यादा घुस गई कि एक दिन वो काला जादू उसी की जान लेके चला गया और इसे पता भी नहीं चला। तो जब ये लड़की जो नई नंदिनी है ये यहाँ पे रहने आई, तो इसको फील हुआ, जो आत्मा थी जो लेडी मर चुकी थी उसको फील हुआ कि ये भी मेरी तरह ये झगड़ा करके आई है घर पे, क्योंकि उसने सुन लिया था, एंटिटी वहीं पे थी, उसने सुन लिया कि ये घर पे झगड़ा कर रही है, ये भी मेंटली भी सही नहीं है, ज़्यादा वीक है, इस पे हावी हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं उसे कनेक्शन फील हुआ तो उसने उस पे हावी होने की कोशिश की। अब डीप में तो नहीं पता कि वो आत्मा चाहती क्या थी एक्चुअल में, क्योंकि काला जादू के बाद क्या होता है, क्यों मरी, हू नोस। बट ये सुन के पंडित जी ने इतना बोला कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुमको एक चीज़ करनी है, सुबह तक मंदिर में रुको, सुबह तक, रात को मत जाना घर पे बिल्कुल भी, या मंदिर से बाहर ही मत जाना। सुबह होते ही पहली किरण निकलते ही पहले घर पे जाओ, सारा सामान वामान शिफ्ट करो, लेके तुरंत अपने घर पे निकलो। ये रोती रही पूरी रात। सुबह जैसी पहली किरण निकली इनने यही किया, फटाफट सामान शिफ्ट किया, थोड़ा बहुत सामान ही था, ज़्यादा था नहीं क्योंकि अकेले शिफ्ट हुई थी, तो सारा सामान लेके 2-3 बंदों को लेके गए थे एंड शिफ्ट हुए एंड वहाँ से निकल गए और अपने घर पे चले गए सीधे ही। सब कोचिंग वोचिंग गई भाड़ में, जान प्यार ही है, बाकी सब बड़े बड़े होती रहेगी। लेकिन सबसे वियर्ड चीज़ तो ये थी कि ये सब कुछ ख़त्म हुआ, सब कुछ शांत हो गया। 1-2 साल हुए, ये भी इसको उभरने में काफ़ी टाइम लगा था उस चीज़ से। 2-3 साल हुए, इसके जो पुराने फ्रेंड्स थे वो कॉन्टैक्ट में थे, कुछ जो जहाँ पे रहती थी जो कोचिंग वाले, वो फ्रेंड थे कुछ कॉन्टैक्ट में, अच्छी 1-2 फ्रेंड बनी थी, और 1-2 लड़के भी थे। तो उनने 1-2 साल बाद ये चीज़ उनको बताई कि ये हुआ था मेरे साथ। तो उन्होंने बोला क्या मजाक कर रहे, जाया झूठ बोल रहे। तो इसने बोला कि बिल्डिंग वहाँ पे जाकर देख लो, 2-3 साल हो गए उसके बाद। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जाकर देख लेंगे, कौन सी बिल्डिंग है देख तो लेंगे कम से कम। वो लोग उस एरिया में गए, रंगीला दास बिल्डिंग, एंड वहाँ पे जाने के बाद मैं करीब 10 मिनट बाद ही उन्होंने कॉल किया नंदिनी को, और जो उनने बताया वो सुन के नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि वो बिल्डिंग तो कम से कम 10 साल से खाली है, वहाँ पर कोई रहा ही नहीं रहा। मैंने सुना था अब तक कि जो आत्माएं होती है डिल्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन इतना खतरनाक मकान मालिक कौन था? मकान मालिक की वाइफ भी थी, पूरी बिल्डिंग में लोग रह रहे थे। क्या इसके पीछे सस्पेंस क्या था, क्यों था, क्या रीज़न था इसके साथ ये होने का, कुछ नहीं पता, सब कुछ एक मिस्ट्री है। एंड ये सुनने के बाद मैं नंदिनी और ज़्यादा डिप्रेस हुई थोड़े दिन तक, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी चीज़ सुन ली भाई ये तो। तब उसके दोस्त ने बोला कि भाई शायद मजाक करिए हमारे साथ में, बट हो भी नहीं सकता मजाक करिए क्योंकि ये चली गई सच में, भाई कौन कोचिंग पढ़ने आता है 2 दिन में छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये हुआ नंदिनी के साथ में और ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ थी, मैंने सोचा आपको बताई जाए। थैंक यू सो मच गाइस, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड 7 दिन के अंदर दूसरी वीडियो डाल दी, अब शेयर कर दो, ठीक है, थैंक यू। ऑल्सो मेरे शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं कॉमेडी शॉर्ट्स बनाता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, ओके बाय।